नमस्कार, स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स के एक और ब्रेक फ्री एडिशन में। और विदाउट एनी ब्रेक हम लेंगे आपके सवालों का जवाब। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश के एक जाने माने बिजनेस घराने के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। और ये जंग किसी के बीच नहीं बल्कि एक पिता और पुत्र के बीच हो रही है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले विजयपत सिंघानिया अपने बेटे गौतम सिंघानिया से बेहद खफा हैं। विजयपत सिंघानिया का कहना है कि उनके बेटे ने उनके साथ दगाबाजी की है, नाइंसाफी की है। बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि विजयपत अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। जी बिजनेस संवाददाता एकता सूरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में विजयपत सिंघानिया ने अपना सारा दर्द बयान किया। मेरे साथ है इस समय डॉक्टर विजयपत सिंघानिया। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भी मैटर कोर्ट में है, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज दिस फ्यूड दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। वेल, पहली बात तो यह है कि द मैटर इज सब ज्यूडिस, इट्स बीइंग हर्ड। दूसरी बात, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट ऑन द टीवी बिकॉज इट्स नॉट माई इंटेंशन। आई शुड यूज योर मीडिया टू एड्रेस नॉट योर ऑडियंस बट माई ऑडियंस, विच इज अनफेयर। इन अ नटशेल, इट इज अ इश्यू विद माई सन and I don't think it would be fair to talk about it on TV. He's doing what he feels is right, I'm doing what I think is right. But since you've said that the matter is in court, as we were having a discussion also, don't you also think that it's right to fight for what you feel right, whatever age, whatever be the circumstance? I do feel I'm right. I do feel I have a right to the property I'm fighting for. We have a legal agreement for it. He's backing out of it. He wants to dishonor it. I have gifted the company to him, maybe very stupidly. I gifted everything of I earned in my life to him on a stupid 8th of February 2015. And since then, he's no longer the guy I used to think he is. Theek hai, everybody has to live their own destiny. पर जो हम पढ़ रहे हैं कि जो मेरी मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर गौतम सिंघानिया के लॉयर से भी जो हमारी बात हुई, उनके हिसाब से ओल्ड लॉ के हिसाब से अग्रीमेंट साइन हुआ था। टाइम बदल गया है, एरा बदल गया है, लॉज बदल गए हैं, तो अब जब शेयर होल्डर्स का जो से है वही कंपनी का से है। पहली बात तो मेरा ये मानना है कि दिस इशू वॉज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू गो बिफोर द शेयर होल्डर्स। नंबर टू, दे रिजेक्टिंग इट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी because now you're pushing me to go into legalities. I don't think it would be fair, but I, in spite of all that has happened, I do believe that I have a strong case in court. Maybe it will go to arbitration as required by law, and one has to wait and see what will happen. बट क्या सिर्फ घर का ही एक इशू है ड्यूप्ले अपार्टमेंट का जेके हाउस में, और आर यू आल्सो फाइटिंग फॉर द पर्क्स दैट हैज बीन विथड्रॉन? नो, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर एनी पर्क्स। ही इज एंटाइटल्ड टू, ही ओन्स द कंपनी नाउ, ही कैन डू व्हाट ही लाइक्स। एंड वन लास्ट कमेंट ऑफ योर्स, जो भी हेडलाइंस कह रही हैं कि यू नो यू कॉल, आई कॉल इट सिली हेडलाइन, आई कॉल इट मिसकोटेड हेडलाइन, बट जो भी हेडलाइंस कह रही हैं हैंड टू माउथ, what would be your comment and reaction on that, a hand to mouth situation? I think that's absolutely ridiculous. I was never hand to mouth, and I never will be, God willing. And Gautam Hari can't make me hand to mouth. He can do what the hell he likes. But does it pains that, you know, fighting with your own son? I don't want to get into that argument.
ओके, आई रियली विश दैट हुएवर इज राइट शुड फाइट फॉर द राइट कॉज एंड शुड विन. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच. तो ये थे रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में. और देखना होगा कि इस लड़ाई में आगे किस तरह का मोड़ लेता है और शेयर होल्डर्स आगे चलकर किस तरह का रिएक्शन देते हैं. लेकिन चलिए, वक्त है मार्केट अपडेट लेने का. आज बाजार में काफी कमजोरी देखने को मिली और तीसरे दिन बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ. काफी सारे ग्लोबल राजनीतिक कारणों के चलते भी बाजार में आज कमजोरी देखने को मिली है. सेंसेक्स की अगर बात करें तो करीब 216 अंक की कमजोरी सेंसेक्स में देखने को मिली है और निफ्टी में भी 70 अंकों की कमजोरी आज देखने को मिली है. और अक्रॉस द सेक्टर आज प्रेशर था, खासकर की फार्मर शेयरों में आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही थी. इसके अलावा जो मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्पेस था वहां पर भी बिकवाली आज हावी रही है. लेकिन एक बार देख लेते हैं कि एफआईआई डीआईस की तरफ से किस तरह का एक्शन देखने को मिला है. एफआईआई की बात करें तो वहां पर आज बिकवाली हुई है उनकी तरफ से, करीब 840 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से और डीआईआई की तरफ से करीब 550 करोड़ की खरीदारी हुई है. लेकिन इस मार्केट में जो आज गिरावट आई है उसके पीछे की वजह क्या थी, काफी सारे कारण थे जिनकी वजह से आज मार्केट में इतनी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है. काफी सारी बातें थी, फार्मा स्पेस से भी कुछ नतीजे आए हैं जहां पर की कमजोरी देखने को मिली है. और यूएस नॉर्थ कोरिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल हमले की बात कर रहा है और यूएस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो अंजाम काफी खतरनाक होगा. तो इस तरह के जो ग्लोबल टेंशन है इसकी वजह से भी बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है. लेकिन इसके अलावा एक और खबर आ रही है, लगातार शेल कंपनियों पर सख्ती से भी सेंटिमेंट बिगड़ा है और बात की जा रही है कि जो हैवी डेट कंपनियां हैं वहां से सब अपनी पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, जिस वजह से आज बाजार में दबाव था. और इसके अलावा टैरो के कमजोर नतीजों से भी सनफार्मा में आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है. 400 के लेवल तक सनफार्मा आ चुका है. पूरे फार्मा सेक्टर में ही आज दबाव देखने को मिला. इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी थी. लेकिन ये तो हुई मार्केट की बात. सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं. हमारे साथ सुमित बगाड़िया जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए. और आप हमें टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. और इसके अलावा फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं. सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार काफी सारे दर्शकों के मैसेज भी हमें आ रहे हैं. एक मैसेज हमें व्हाट्सएप के ही जरिए आया है, मुंबई से कविता जी ने हमें मैसेज किया और इनका जो सवाल है, माफ कीजिएगा कविता जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं. गुड इवनिंग कविता, पूछिए. हाँ गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप, कौन सा शेयर आपके पास? मेरे पास ABS फूड है, 293 का 300 है और उत्तम स्टील, उत्तम गालवा भी है मेरे पास. उत्तम गालवा भी क्या? उत्तम गालवा. ओके, ये किस भाव पर लिया है आपने उत्तम गालवा? उत्तम गालवा 3450 में लिया हुआ है. ADF फूड्स में तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, 293 पर आपने लिया था, 219 के आसपास ट्रेड कर रहा है. और उत्तम गालवा यहाँ पर इनकी 34 रुपए की खरीद थी और यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है. सुमित क्या राय देंगे इन दोनों ही शेयरों में आप, ADF फूड्स एंड उत्तम गालवा, दोनों में नुकसान हो रहा है इनको? हाय पूजा, गुड इवनिंग. वेल ADF फूड की पहले बात करते हैं. ADF फूड पिछले 2 महीनों से कंटिन्यूसली एक वीकनेस दिखा रहा है, स्टॉक ऊपरी लेवल से एक दबाव दिखा रहा है और अभी नीचे के सपोर्ट्स ब्रेक कर चुका है. इमीडिएटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें यहां से और वीकनेस देखने को मिल सकती है और प्रेजेंट लेवल से 8-10% का फॉल और देखने को मिल सकता है. अगर ये शॉर्ट टर्म प्लेयर है तब तो इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है और नीचे में शायद 200 या 190 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं. दूसरी तरफ उत्तम गालवा के अंदर इनका सवाल था, वो स्टॉक भी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है और ये स्टॉक का भी स्ट्रक्चर वीक है. 200 DMA के नीचे कंटिन्यूसली ये ट्रेड कर रहा है, कोई भी पुलबैक मिलता है तो ये स्टॉक से भी निकलने की सलाह रहेगी. स्टॉक का स्ट्रक्चर कोई खास मजबूत नहीं है, नीचे में शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें 25 या 22 रुपए तक के लेवल्स भी आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं. कोई भी पुलबैक मिलता है तो इसमें से भी निकल जाने की सलाह रहेगी. तो उत्तम गालवा और ADF फूड से निकल जाने की सलाह सुमित की तरफ से. सुमित बाजार के पे आपकी राय लेना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा क्योंकि 3 दिन से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. तो कल जब मार्केट खुलेगा और काफी सारे नतीजों के लिहाज से भी काफी इम्पोर्टेंट दिन रहेगा, तो जब कल मार्केट खुलेगा तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी? वेल पूजा, मार्केट्स में अच्छी खासी वीकनेस देखने को मिली है 2 दिनों के अंदर और आज निफ्टी ने अच्छे खासे सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं और 9900 के पास क्लोजिंग दी है. निफ्टी भी थोड़ा सा वीक हुआ है, निफ्टी में शायद कल के दिन और बिकवाली देखने को मिल सकती है. नीचे में हमें 9850 या शायद 9820 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं. जब तक अभी निफ्टी इमीडिएटली ऊपर में 9970 9980 के ऊपर नहीं जाती है
या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 10,000 के ऊपर जब तक वापस कन्विंसिंग ट्रेड्स देखने को नहीं मिलते हैं तब तक एक बार बाइंग अवॉइड करनी चाहिए. एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशंस 9970 9980 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी चाहिए. नीचे में कल अगर 9890 टूटता है तो फिर हमें 9850 9820 के लेवल्स एक से दो दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं. तो फिलहाल थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है. तो कल भी निफ्टी में वीकनेस देखने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है. अगले कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं. भावेश जी ने हमें कॉल किया है. जी भावेश जी पूछिए. हाँ जी साहब, सीएल एडुकेट है 59 शेयर्स आपने. ओके ये आईपीओ में लगाया था. ये कब लिया था आपने? ये अराउंड 3 महीने हो चुके होंगे, 3 से 4 महीने. काफी ज्यादा कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी थी वैसे. और आप बने रह सकते हैं स्टॉक में अब? नहीं, जो अगर एग्जिट करने का मिलता है तो कर जाऊंगा. ठीक है. सुमित, इनके पास सीएल एजुकेट के शेयर्स हैं. 3 महीने पहले इन्होंने इसमें पोजीशन बनाई थी और काफी ज्यादा टूट चुका है ये स्टॉक और नुकसान हो रहा है इनको. तो यहाँ से तो ये एग्जिट करने का मन बना चुके हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई और स्टॉक इनको सजेस्ट करना हो तो कौन सा करेंगे? 370 का इनके इस लॉन्ग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस लगा ले. 370 के नीचे अगर ये जाता है तो इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर ये नीचे में 8 से 10% का फॉल दिखा सकता है. ऊपर में इमीडिएटली 400 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो पुलबैक देखने को मिलेगा 425-430 तक. वहां पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए. आई डोंट थिंक ये स्टॉक में इनको कोई ज्यादा खास रिटर्न्स मिलेंगे. इसके लिए कोई भी पुलबैक अगर देखने को मिलता है तो एग्जिट करें, 370 का एग्जिस्टिंग पोजीशंस के अंदर स्टॉप लॉस लगा लें. दूसरी तरफ आने वाले कुछ महीनों के अंदर और ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, तो ऑटो और बैंकिंग के अंदर ये कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रंट लाइनर में. जैसे अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं तो पीएसयू के अंदर एसबीआई और प्राइवेट के अंदर तीनों चारों बैंक है, जो भी है सब अच्छी बैंक है, चाहे फिर वो एचडीएफसी हो, येस हो, इंडसइंड बैंक हो, ये सभी बैंकों के अंदर किसी में भी पोजीशन ले सकते हैं. अगर इनको एक ही स्टॉक सिलेक्ट करना है तो एसबीआई को सिलेक्ट करें, एसबीआई में पोजीशन ले. आने वाले कुछ महीनों के अंदर यहां से बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है एसबीआई के अंदर. ओके, तो ये राय आती हुई आप इस पे यहाँ से एग्जिट करके कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स जो अभी सुमित ने सजेस्ट किए हैं आप वहाँ निवेश कर सकते हैं. एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं. आंध्र प्रदेश से हमें संजय जी ने कॉल किया है. जी नमस्कार सर, पूछिए. हेलो जी, सवाल पूछिए अपना, हमें आवाज आ रही है. मुझे MRF टायर्स और आइशर मोटर में एंट्री करनी है, उसका लेवल जरा बताइए. अच्छा, MRF और दूसरा स्टॉक आपने बताया आइशर मोटर्स. ओके, कोई खास वजह आप इन दोनों ही शेयरों में निवेश? इसमें भी जैसे बहुत डाउन जा रहा है तो मुझे लगता है इसमें भी एंट्री कर लेनी चाहिए. ओके, सुमित या आइशर मोटर्स और MRF, क्या इन जो भी लेवल चल रहा है इस वक्त आप सजेस्ट करेंगे इसमें फ्रेश खरीदारी करना? यस एब्सोल्युटली यस. MRF की पहले बात करते हैं. MRF ओवरऑल बहुत अच्छा तेजी का काउंटर है, बहुत अच्छी तेजी हमको देखने को मिल रही है. शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिलेगी तो प्रेजेंट लेवल से 65,300 का सपोर्ट है. अगर वो टूटता है तो हमें 62,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं. यानी अगर 2-3 दिन अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो शायद ये स्टॉक 2 से 3 हजार रुपए की गिरावट दिखाएगा, वहां पे MRF को खरीदारी की जा सकती है. ओवरऑल लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से MRF एक अच्छा शेयर है. दूसरी तरफ आइशर मोटर्स की बात करेंगे, एकदम लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है. थोड़ी सी प्रेजेंट लेवल से गिरावट आने दे, गिरावट में ये स्टॉक कम से कम 1,500-2,000 रुपए का फॉल अगर दिखाता है या फिर शायद 2-3 हजार रुपए का फॉल अगर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि शायद पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उस गिरावट में इस स्टॉक को भी खरीदारी कर सकते हैं और आने वाले 6 महीने से साल भर के लिए स्टॉक को होल्ड करें, अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है. ओके, तो इन दोनों ही लेवल्स पर खरीदारी करने की राय होगी. कटक से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, रंजन. रंजन जी नमस्कार. नमस्ते जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? 976. ओके, ये कब लिया था आपने? हाल ही में लिया था क्या? भूषण स्टील. हाँ, हो गया, 1 महीना हो गया. ओके, तो मैं इसमें और 3 महीने दे सकता हूँ टाइम, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अभी? सुबित कैसे दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स आपको अगले 3 महीने के लिए भूषण स्टील के? अभी इनको 1 महीना ही हुआ है पोजिशन होल्ड किए हुए, तो अगले 3 महीने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? बने रहें, एक बार होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर इतना खराब नहीं हुआ है. स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो है 61 या 60 लेवल्स के आसपास. ऊपरी लेवल से स्टॉक ने दबाव जरूर दिखाया है, बट जब तक ये सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक स्टॉक के अंदर होल्ड रख के चला जा सकता है. जैसे ही ये स्टॉक ऊपर में 70
74-75 के लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ये स्टॉक में हमें मोमेंटम और स्पर्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें स्टॉक ऊपर में 85 से 90 तक के लेवल्स दिखा सकता है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर। इमीडिएटली जो मैंने सपोर्ट्स बताए उसको क्लोजली वॉच करें, जब तक वो नहीं टूटते तब तक पोजीशंस को होल्ड करें, और ऊपर में जो मैंने रेजिस्टेंस बताया अगर वो टूट जाता है तो उसके बाद इनको अच्छा मुनाफा होगा 3 से 6 महीने के होराइजन के अंदर। ओके, दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, रमाकांत जी ने हमें कॉल किया है। रमाकांत जी आपको आवाज आ रही है? जी पूछिए, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये 180 आपने कब लिया था? अभी कुछ दिन पहले लिया था क्या आरईसी को? हाँ, कुछ दिन पहले लिया है। तो अभी आप बने रह सकते हैं स्टॉक में लंबे समय के लिए? हाँ, बने रह सकते हैं। जी जी, सुमित, आरईसी काफी सारे जानकार सजेस्ट भी कर रहे हैं, अगर फाइनेंस कंपनियों की बात करें तो आरईसी को काफी लोगों ने सजेस्ट भी किया है, टेक्निकली भी साउंड है और फंडामेंटली भी काफी अच्छा है ये स्टॉक, और पिछले कुछ समय से काफी एक अच्छा रिटर्न भी अपने निवेशकों को दे चुका है, लेकिन इस लेवल पर आप क्या राय देंगे, अभी बने रहे स्टॉक में आरईसी में? यस, एब्सोल्युटली होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉक के सपोर्ट्स जो निकल के आ रहे हैं वो है 167-165 लेवल्स के आसपास, यानी जब तक ये लेवल्स टूटते नहीं है आरईसी के अंदर तब तक कुछ खास घबराने वाली बात नहीं है। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल मजबूत दिख रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर स्टॉक यहां से और भी तेजी दिखा सकता है। स्टॉक का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 165-167 लेवल्स, जो कि इनको क्लोजली वॉच करना और ध्यान में रखना है। एट द सेम टाइम स्टॉक के जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो है 184-185 लेवल्स, जैसे ये स्टॉक ऊपर में 185 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक वहां से एक अच्छी तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर हमें 200 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार के लिए होल्ड की सलाह रहेगी, 165 से 167 के आसपास सपोर्ट जोन है वो इनके लिए स्टॉप लॉस या सपोर्ट के लिए काम करेगा, जब तक वो टूटता नहीं है तब तक होल्ड करें। तो बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर होल्ड करिए, यहाँ पे 165 और 167 के लेवल सजेस्ट किए गए हैं, यहाँ पर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड करिए। हमारे साथ एक और मैसेज हमें आया है दिल्ली से ही, अंकित अग्रवाल जी ने हमें कॉल किया है और इनका सवाल TCI एक्सप्रेस पर है। यहाँ पर इन्होंने 250 शेयर्स लिए हैं, 10 रुपए के लेवल्स पर इन्होंने लिए थे और काफी पहले की खरीद लग रही है इनकी। 250 शेयर्स इन्होंने लिए हैं TCI एक्सप्रेस के 10 रुपए के लेवल पर, और इस वक्त शानदार मुनाफा हो रहा है, 536 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं, इनसे संपर्क तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन टाइम फ्रेम भी कुछ मेंशन नहीं किया इन्होंने, लेकिन शानदार गेन यहाँ पर इस वक्त इनको हो रहा है। तो क्या सजेस्ट करेंगे सुमित, इस लेवल पर आप बने रहे अभी और ज्यादा मुनाफा इनको दिखेगा इस लेवल पर से? देखिए पूजा, अगर लेवल्स की बात करेंगे तो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो मजबूत है, स्टॉक ने पिछले 3 महीने से 4 महीने के अंदर अच्छी तेजी दिखाई है। अभी फिलहाल आज पहला दिन है जब स्टॉक ने ऊपर से एक अच्छा खासा वीकनेस दिखाया है, जिसके अंदर स्टॉक ने 575 से ऑलमोस्ट 535 के लेवल्स तक क्लोजिंग दिखाई है। शायद हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी और वीकनेस देखने को मिले और हमें 500 या फिर शायद 470 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट ओवरऑल होल्ड किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है और शायद यहां से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर में 575 टूटने के बाद फ्रेश अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में ये प्रिपेयर्ड रहे कि 500 से 470 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से एक बार होल्ड कर सकते हैं, और वैसे भी ये प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज कर सकते हैं। तो TCI एक्सप्रेस में होल्ड करने की राय। उड़ीसा से हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, प्रिया जी ने हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप? देखिए हम एक भेल का शेयर लिए थे। ओके, तो 137.30 में लिए थे। अच्छा, आपने तो भेल के काली लिए थे, लेकिन परसों लिए थे लेकिन माइनस में चल रहा है थोड़ा। ये आपने परसों ही लिए हैं भेल के शेयर्स, 137 के लेवल्स पर लिए हैं? ओके, और नतीजे भी आ रहे हैं कल इसके, नतीजों के पहले की खरीदे क्या आपकी ये? नहीं, नतीजे से पहले खरीदे थे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कल इस कंपनी के नतीजे भी आ रहे हैं सर, तो ये वो भी क्लोजली वॉच करना होगा। वैसे एक्सपेक्ट की जा रही है कि अच्छे नतीजे शायद भेल की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सुमित से राय ले लेते हैं एक बार। सुमित, आपको चार्ट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, अभी हाल ही की खरीद है इनकी? मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड है और थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। स्टॉक अभी इमीडिएट सपोर्ट्स के पास है, 132-131 के आसपास के ये स्टॉक के सपोर्ट है। कल अगर ये सपोर्ट टूटते हैं तो शायद देर इज अ पॉसिबिलिटी, और ये सपोर्ट्स के नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिल गई तो शायद देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हमें 118 से 120 तक के लेवल्स देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स एक बार देखने को मिल सकते हैं।
कल अगर ये स्टॉक ने वीकनेस नहीं दिखाई और तेजी दिखा दी तब तो ये स्टॉक यहाँ से वापस तेजी पकड़ लेगा और ऊपर में 200 डीएमए के लेवल्स टेस्ट करने के लिए जाएगा जो कि 145 के आसपास है और उसके बाद हमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। तो दो लेवल सबसे क्लोजली वॉच करें, 132-131 इमीडिएट सपोर्ट, वो टूटा तो फिर नीचे में हमको 115-120 के आसपास के लेवल देखने को मिलेंगे। एट द सेम टाइम ऊपर में अगर 140-145 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें ये स्टॉक ऊपर में 170 तक के लेवल दिखाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वॉच करें, शॉर्ट टर्म में शायद वीकनेस देखने को मिल सकती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करने की राय बीएचएल में। और कल नतीजे काफी इंपॉर्टेंट होंगे, दो बड़ी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, एक तो भेल है और इसके अलावा गेल के भी नतीजे आ रहे हैं और भेल से हमारा अनुमान है कि अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रांग ऑर्डर एग्जीक्यूशन के चलते नंबर्स अच्छे देखने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह का मूवमेंट का स्टॉक दिखाता है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, कोलकाता से हमें कॉल किया शशांक जी ने। शशांक जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप। या आई एम होल्डिंग 200 शेयर्स ऑफ ग्रैन्यूल्स इंडिया फॉर द लास्ट 1 ईयर आल्सो। ओके, बट देन आल्सो देयर इज अ मूवमेंट, इट हैज बीन टू 152-153 2-3 मंथ्स बैक, अब फिर गिर गया है काफी और आज अभी तो और भी गिर गया आज तो फार्मा स्टॉक्स। जी, व्हाट शुड आई डू सर? आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया था? नो, नॉट रियली। और फार्मा शेयर्स लगातार टूट रहे हैं, ग्रैन्यूल्स इंडिया भी देखिए 154 पे इनकी खरीद थी और एक साल में 116 तक की लेवल दिखा दी और आज भी 8% की कमजोरी देखने को मिल रही है। सुमित, ग्रैन्यूल्स इंडिया पर आपकी क्या राय होगी? इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन अगर स्टॉप लॉस अगर आपको इनको सुझाना हो तो क्या सुझाएंगे और यहाँ से आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया के चार्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं? इनफैक्ट ओवरऑल अगर फार्मा स्पेस की ही बात करें तो वो उस वक्त आपको कैसा दिखाई दे रहा है? आज सन फार्मा में भी काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली थी। शॉर्ट टर्म में फार्मा स्पेस में और वीकनेस देखने को मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं सारे फार्मा स्टॉक्स बहुत ही लुक्रेटिव लेवल्स के आसपास आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन लेवल्स के पास आ चुके हैं। अगर नेक्स्ट 1 ईयर एंड अबव का होराइजन लेके चलेंगे तो कोई भी फार्मा स्टॉक्स फ्रंट लाइनर जो भी है उनके अंदर स्टैगर्ड वे में बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सूनर और लेटर हमें इनमें रिकवरी और एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है, थोड़ा सा और वीकनेस देखने को मिल सकता है। अब जहां तक इनका सवाल ग्रैन्यूल्स के ऊपर है, स्टॉप लॉस लगाने के लिए देरी हो चुकी है, अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना था तो वो पहले ही लगाना चाहिए था। अभी इनके लिए यही सलाह रहेगी कि थोड़ा और नीचे आने का वेट करें, स्टॉक 108-105 के लेवल तक जब भी आता है वहां पे ये फ्रेश एवरेजिंग करने की सोचे और ये स्टॉक के अंदर हमको तेजी तभी देखने को मिलेगी जब ये 125 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो पाएगा। जब तक ये 125 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक स्टॉक की जो इमीडिएट रेंज है वो है 105 नीचे में और 125 ऊपर में। जब भी ये स्टॉक 125 के ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा उसके बाद हमें स्टॉक के अंदर 140-150 के लेवल देखने को मिलेंगे और इनको साल से 1.5 साल का नजरिया और देना पड़ेगा और थोड़ी सी ट्रेडिंग करके और थोड़ा सा एवरेजिंग करके इनको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट टर्म में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ ज्यादा तेजी आपको या कुछ अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा, लेकिन इस 1.5 साल का अगर आपका नजरिया है तो फिर इस स्टॉक को होल्ड करिए। 125 का लेवल अगर ये दिखा देता है तो वहां से तेजी ग्रैन्यूल्स इंडिया में देखने को मिल सकती है, तो होल्ड करिए पेशेंस के साथ और यहाँ पर 1 से 1.5 साल का व्यू करके होल्ड रखने की राय होगी ग्रैन्यूल्स इंडिया में। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त है हॉट स्टॉक्स को यहीं समेटने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ।